तो सारा खेल भावना का ही होता है। भावना में भावना हो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार। यदि भाव ना हो तो भगवान मिलते नहीं, और यदि भाव हो तो भगवान दूर जाते नहीं। मन की भावना व्यक्त की इस भजन के द्वारा कि बाबा इस जीवन में आपकी सेवा मिल गई, आपकी भक्ति मिल गई, इससे ज्यादा और मैं क्या पाऊं। मेरे घर में दीवा जलता बाबा तेरे नाम का, इसलिए मैं दर्शन हो जा मन में तेरे धाम का। दुनिया में कहीं घूमने की भी जरूरत नहीं, मेरे घर में तेरे नाम का दीपक जगता है, मेरे ज्योतराम जी महाराज सुबह शाम तेरे दर्शन कर लेता हूँ। बस इतनी सी प्रार्थना, इतनी सी रिक्वेस्ट है देव, आपके नाम के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है, यो तेरा मेरा कौन से जन्म का नाम। ज्योतराम जी एक बार अपना खोल देखा देखा, ये मेरे देव जब आपके साथ नाम जुड़ ही गया है तो मेरे देव कभी अलग मत होने देना। जब आपका नाम आए तो लोग मुझे जाने तो भी आपके नाम से ही जाने। मैं जब दुनिया तक जाऊं तेरा भगत कमाऊं, और तेरे नाम तक बाबा हो मैं जाने। मेरी इतनी इच्छा मन मंदिर में धाम तेरा हो, वो मेरा गांव हो जो भी बाबा गांव तेरा हो। आप जहां जन्म लो मैं भी वहीं जन्म लूं, मेरी इच्छा है, और मेरी चिता की हर लकड़ी पर बाबा नाम तेरा हो। तेरी मेरी जोड़ी ने बनाए बाबा रखिए। कितने ऐसे सेवक हैं जो ये बात चाहते हैं कि बाबा हमारी जोड़ी को बनाए रखना, टूटने मत देना। यदि चाहते हो तो जयकारा लगाओ, बोलो ज्योतराम जी महाराज की हो। तेरी मेरी जोड़ी ने बनाए बाबा रखिए, तेरी मेरी जोड़ी ने बनाए बाबा रखिए, और सेवक ने चरणा ते लाए बाबा रखिए, सेवक ने चरणा ते लाए बाबा रखिए, लाए बाबा।
बोलो शंकर भगवान की, बोलो अम्बोली धाम की। सजनों, देवता बहुत जल्दी खुश हो जाता है। इस देवता को प्रसन्न करना कठिन कार्य नहीं है, कठिन काम उसको प्रसन्न करना नहीं है, कठिन कार्य है उसको प्रसन्न रखना। प्रसन्न कर लो आपकी भक्ति से, आपके भाव से, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े भोले भाले देव हैं। जोत राम बाबा घना भला देवता, लेकिन उसको प्रसन्न रखना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हम अपनी जुबान पर, अपने नेम टेम पर, अपने कर्म पर टिक नहीं पाते। कुछ दिन हम उसकी बड़ी मन से भक्ति करते हैं, दिल से भक्ति करते हैं, और देवता इस कदर प्रसन्न रहता है कि आपको सब कुछ दे देता है, क्योंकि वो बड़ा भोला है। लेकिन उसके बाद हमारे मन में पाप नहीं कहूंगा कि पाप आ जाता है, नहीं, भगत के मन में कभी सेवक के मन में पाप नहीं आता। हमारे मन में आलस आ जाता है, फिर हम आलसी हो जाते हैं। हमने उस पाई रहे, हेलो हेलो, देखिए मोटी मोटी आवाज से, थोड़ी सी सुथरी आवाज करते, मेरी पेनी पेनी आवाज बाहर निकले, मेरा भी जी करगाने ने बताने ने। उसके बाद हम आलसी हो जाते हैं। ओ बाबा तो मिले गए, जोतला चे मतला तेरे धोरे बैठे, बाबा की पूजा कर चे मत कर धोरे बैठे, फेरी लान जा चे मत जा जोतराम ताड़े, तने तो मना लिया ही, और फालतू के मनाओ। हमारे मन में ये आलस आ जाता है, फिर हम बाबा की भक्ति उस नियम और भाव के साथ नहीं कर पाते जहां से हम चले थे, उससे हमारी डगर टूट जाती है। और एक बार गाड़ी लाइन से उतर गई तो उतर गई, सजनों मत सोचियो कि दोबारा तावड़ी से चढ़ जाएगी, फिर तो भाई क्रेन बुलानी पड़े। क्रेन का मतलब समझ रहे हो, उस गाड़ी तभी भारी चीज थी जब वह चढ़ जाएगी। फिर जो उतराम जी नहीं मानता थोड़ा सा, फिर दादा बनाना पड़ेगा भगवता सिंह महाराज को काली नाली, और उसको मनाना भाई इतना आसान नहीं है। जोतराम जी को तो मना लो, वो ठाकुर साहब है, वो तावड़ा सा नहीं मानता, वो शाना भी। जोतराम जी तो भोले भाले बेचारे, शुक्र मना लो, दादा नहीं मान रहा भाई, और उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती। जब मान ले कुछ बताने भी लाग जाए, तुमने भाई तने मेरी आ गलती कर दी छोरे, तने मेरा चेला रोसा दिया, तो वो बोलेगा मारवाड़ी भाषा में, वो तारा हूं पल्ले नहीं पड़ती ना मारे पल्ले। इसलिए गलती करने से अच्छा है, गलती को सुधारने से अच्छा है कि गलती करें ही ना, अपने आप को ठीक ठाक रखें। जरूरी नहीं है कि भाई शुरू में आप जुट जाओ, ले बाबा तड़के भी, सांझ में भी, बाबा के दिन में भी, 24 घंटे बाबा के पास पड़े रहो, फिर बाबा ने आदत हो जाएगी। यो मानस तो भाई 24 घंटे तेरे दौरा रहता है, बढ़िया बात है। उसने इसी आदत के रहो ना, ये बालक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जितना लाड प्यार की आदत डालोगे ना, उतनी लाड प्यार की आदत पड़ जाएगा। और जब उसके थप्पड़ मार मार के उसने सुधारने लग जाओगे, पढ़ाने लग जाओगे, थप्पड़ा की भी आदत पड़ जाएगी। डांट से उसको पढ़ाओगे तो डांट की भी आदत पड़ जाएगा, जैसे उसको गुण दोगे वैसे वो गुण ले लेगा। कहने का भाव ये है कि देवता भी एक बच्चे की तरह है, उसको रखना इतना आसान काम नहीं है। सजनों, जिस तरह से उसको पूछते हो, शुरू में अपने बाबा ने इसी आड़ ला लो मीठी मीठी, जितना कर सको हो उतना ही करो। शुरू में नु दिखाने की जरूरत कोने का, बाबा मैं बहुत कर सको,
बाद में फिर कर नहीं पाओगे फिर पछताओगे। ये ऐसी बातें हैं सजनों जो कोई नहीं बताता, भगत जी भी नहीं बताओगे, भगत जी बेचारे भभूति दे देंगे भाई बाबा का नाम लिया गया थोड़े बड़े मानस है, लेकिन वास्तविकता ये है सजनों देवता के अंदर उसके देखो पता चल जाएगा कि देवता क्या है, आप लोग क्या है, देवता के अंदर गुण क्या है, देवता का स्वभाव क्या है, उसके स्वभाव को जानकर उसकी भक्ति पूजा कर। आइए एक और भजन बाबा के चरणों में।